सीयूईटी काउंसलिंग प्रोग्राम 2022 एंडिंग मोमेंट पे अभी चल रहा है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 1.5 साल से जो काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा था सीयूईटी 2022-23 वो अभी खत्म होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीयूईटी 2022-23 पिछले साल जुलाई के बाद ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारे यूट्यूबर्स न्यूज मीडिया ने इसको जो है एनकाउंटर किया, इस न्यूज को बहुत ही ज्यादा साझा किया, लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण सीयूईटी 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था। अगर अपन एडमिशन प्रोसेस की बात करें इस बार की, तो अभी जो एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे चल रहा है। इसी के साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। पिछले कुछ सालों की अगर अपन बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की, तो यह कॉलेज जो है सीयूईटी एंड जेईई मेन के थ्रू आपके एडमिशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था। ये कॉलेज उत्तराखंड के गढ़वाल, श्रीनगर एंड हिमाचल के अंदर इसके कैंपसेस पाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कॉलेज के अंदर। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बहुत अच्छा है, लोकेशन है जो बहुत अच्छा है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ पढ़ के काफी अच्छी अच्छी पोजिशन पे गए हैं। इसके साथ ही इस प्रकार की इस बार की सीयूईटी काउंसलिंग की बात की जाए तो सीयूईटी काउंसलिंग से बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिसअपॉइंटेड है। स्टूडेंट का मेन कंसर्न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी को चूज किया, यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी लगातार मेरिट लिस्ट रिलीज करती जा रही है। स्टूडेंट को ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के अंदर उनका पोजीशन है क्या, वो यूनिवर्सिटी के अंदर किस सीट पर डिजर्व करते हैं, आखिरकार वो उनकी जो रैंक है यूनिवर्सिटी में वो कितनी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कॉन्टेक्ट आ रहे हैं कि भैया हमारे 200 मार्क्स है, हमारे 300 मार्क्स है, क्या हमारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। हालांकि हमें यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी 500 रैंक है वहाँ पे या 1000 है, 2000 है, 5000 है, आखिरकार हमारी रैंक है कितनी। लेकिन अगर अपन अदर कॉलेजों की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजों ने जो है बच्चों को रैंकिंग दी थी कि आपकी इस कॉलेज में जो है इतनी रैंक है, आपकी इस ब्रांच में इतनी रैंक आ रही है, इस ब्रांच में इतनी रैंक आ रही है, जिससे कि स्टूडेंट को आसानी होती है अपनी डिटेल गेट करने में कि आखिरकार मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार मेरे को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आखिरकार मेरे जो मार्क्स है वो उसके लायक है कि नहीं है, उसके बराबर है कि नहीं है, क्या मेरे को लास्ट राउंड तक सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आखिरकार अगर मेरे को पता होता तो शायद मैं किसी प्राइवेट की और एक सीट प्राप्त करके रखता, सिक्योर करे रखता। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो मैं अदर काउंसलिंग की ओर जाऊँ, नहीं जाऊँ, आखिरकार मैं करूँ क्या। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी असमंजस्य की स्थिति के अंदर है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत बार काउंसलिंग कंडक्ट की जा चुकी है। बीटेक, बीएससी, बीएड, पीजी प्रोग्राम्स के अंदर बहुत बार यूनिवर्सिटी में जो है ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जा चुकी है, जिसके अंदर भी स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर हमारे देश की बहुत सारी लड़कियां जिनके जो है पेरेंट्स या तो किसी जॉब में है या फिर जो स्टूडेंट जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं उनको जो है जो अदर स्टेट के अंदर बेसिकली रहते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, गुजरात हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारी आती है कि भैया हमारे साथ पेरेंट्स जाने वाले थे नहीं, इसके कारण हमको जो है ऑफलाइन काउंसलिंग जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण हम जा नहीं पा रहे हैं हमारे इतने मार्क्स होने के बावजूद भी। हालांकि यूनिवर्सिटी परेशान होकर टिल लास्ट राउंड तक बच्चों को जो है कैंपस में बुला लेती है कि जिनका भी एडमिशन लेना है वो ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फीस लेके कैंपस पहुंच जाए और अपना जो है सीट ले सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर हर रोज यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आता है, हर रोज ऑफलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है। अभी भी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर कुछ सीटें वैकेंट हैं जिनकी जो है जल्द ही काउंसलिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफलाइन आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एंड आपके फीस लेके यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ऑलमोस्ट 8:30 बजे पहुंच जाना होता है। 9:30 बजे के आसपास आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, लगभग 12 से 1 बजे तक आपके रजिस्ट्रेशन चलते हैं, फिर ऑलमोस्ट 2 से 2:30 बजे तक आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपसेस के अंदर सीट अलॉट हो जाती है। जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है वो अपने फीस एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को कोई सीट नहीं मिलता वो जो है अपना डॉक्यूमेंट लेके घर वापस आ सकते हैं। इस प्रकार से जो है ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट होती है।
हालांकि हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो यार यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी काफी सारी सीटें बाकी है। तो आप सभी से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जहाँ पे अभी भी कुछ सीटें आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो बीटेक प्रोग्राम हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो पीजी प्रोग्राम हो, चाहे वो यूजी प्रोग्राम हो, बीए हो, बीएड हो, बी फार्मा हो, बीटेक हो, एंड जस्ट लाइक लिटरेचर हो, जूलॉजी हो, फार्मेसी हो, तो उन सब के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा टू गेट द अपडेट रिगार्डिंग द सीओटी 2022। और भी आप लोगों की कोई क्वारीज होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।